अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं वीवर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको अनार के बाग की सैर कराने आया हुआ हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी तादाद में अनार के दरख्त खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं जी किस तरह ये अनार लगते हैं दरख्त पे। अभी ये कच्चे हैं और काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। ये देखें जिस बूटे को भी देखते हैं, माइंड ना कीजिएगा, हमारी ज़बान में इसको बूटा ही बोलते हैं तो इसलिए बोल दिया। ये देखें जिस दरख्त को भी देखते हैं, काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी आगे तक ये अनार के दरख्त ही जाते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दरख्तों पे लगे हुए अनार। ये जो दरख्त हैं, ये जो अनार के बागात हैं, ये सामने है और मेरी पिछली तरफ गांव है। ये देखिए, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इस तरफ जो है ये बाग है और पीछे गांव है। ये देखिए, ये बागात हैं और इस तरफ गांव है। गांव के बाहर खड़ा हूँ। ये देखिए, अभी भी लोगों के कच्चे मकान हैं, ये देखिएगा। देहात में पुरसकून माहौल होता है, शहर में तो बंदा घुट घुट के मर जाता है। ताज़ा आबो हवा को तरसता रहता है, पार्कों में जाना पड़ता है। यहाँ तो हर जगह ही पार्क लगी हुई होती है। ये देखिए, सिर्फ इतने दरख्त, इस तरफ भी दरख्त और पीछे बागात, हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है। ये जो सामने ज़मीन है, ये फ़िलहाल खाली पड़ी हुई है, इसमें भी कुछ ना कुछ काश्त करेंगे। देखिए पीछे का काफ़ी अच्छा माहौल है, यकीनन आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।